दोस्तों, हमारी आज की कहानी एकदम रियल और सच्ची है। ये कहानी हम सभी लोगों में से हमारी फैमिली के मेंबर जमीर शेख ने भेजी है। और ठीक इस कहानी के लिए बहुत से लोगों ने कमेंट में पार्ट टू लिखा था, ठीक इससे पहले वाली कहानी पर। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद मुझे मालूम चला कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, न जाने वो क्या पाना चाहते हैं, समझ नहीं आता। बस इस कहानी के बाद मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज कहानी सुनने वाला हर कोई शख्स कमेंट जरूर करे, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऐसी चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि कभी भी कोई भी इंसान ऐसी चीजों में ना फंसे। बाकी अगर आप भी इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे इसी तरह की कहानियां भेजना चाहते हैं जो कि आपकी रियल स्टोरी हो, तो मैं ठीक आपसे वादा करता हूं मैं उस कहानी को जल्द से जल्द चैनल पर लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपके पास कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए, मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। चाहो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है। अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जमीर शेख और मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और ये कहानी मेरे साथ 2022 में हुई थी। एक दिन सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे मुझे मेरे बॉस का कॉल आया, कहने लगे कि कोई नए सेट का काम है। मैंने उनसे कहा ठीक है। उन्होंने मुझे नंबर और एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। उस वक्त मेरे साथ एक 14 साल का हेल्पर था, उसको भी काम करते करते सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था। हम दोनों जैसे ही एड्रेस पर गए तो बाहर एक आंटी खड़ी थी। उस आंटी ने हमें अंदर बुलाया। सच कहूँ तो मैं जैसे ही उस घर के अंदर गया तो मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मतलब माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे कमरे में एक छोटा बल्ब जल रहा था और देखने में घर बड़ा भी लग रहा था। अब आप ही सोचिए, जब आप किसी के घर पर जाते हो तो कमरे में रोशनी होना लाजमी है। पर खैर, मैं इससे पहले भी काफ़ी घर में गया हूँ, बस मेरे करियर का ये पहला घर था जो कि मुझे कुछ अलग लगा था। आंटी ने मुझे काम बताया कि मुझे क्या क्या करना है। हम तीसरे नंबर के फ्लोर पर गए। उस बिल्डिंग में मुझे 2 फ्लोर पर काम करना था। पूरा काम देखने के बाद मुझे वहाँ 3 से 4 दिन का समय लगने वाला था, क्योंकि पूरा काम शुरू से करना था। पर खैर, हमें काम की शुरुआत करते हुए 5 मिनट भी ठीक से नहीं हुए थे कि अचानक हमारे मुंह के पास चाय आ गई। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, आप खुद सोचिए कि उस आंटी ने हमें कितनी बार चाय पिलाई होगी। मैं बताता हूँ, उन्होंने तकरीबन हमें 8 बार चाय पिलाई। और ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें मना नहीं किया, लेकिन वो मना करने के बाद भी बार बार ले आती। हमारा पहला दिन ऐसे ही निकल गया था। जब हम दूसरे दिन पहुंचे तो आंटी कुछ ज़्यादा ही सवाल कर रही थी। वो कहने लगी कि पहले क्या करते थे और आपके घर में कौन कौन है। सच कहूँ तो मैं सोच रहा था कि आंटी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथ वाला उस आंटी से पहले दिन से ही डर रहा था। खैर छोड़ो, हमें सबसे ऊपर के फ्लोर में बस 2 कमरों का काम करना था। एक रूम को लॉक लगाया हुआ था, तो मैंने पूछा भी कि आंटी आपने इस रूम को लॉक किया हुआ है, क्या हमें इसमें काम नहीं करना। आंटी ने कहा कि इस रूम में कोई काम नहीं है। इसके बाद मैंने भी कुछ नहीं पूछा। खैर, आंटी इतना कहकर जा ही रही थी कि मैंने आंटी को आवाज़ देकर कहा कि आंटी आज चाय नहीं पिला रहे। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आंटी इतने गुस्से में आ गई कि उस टाइम पर मैं भी डर गया। खैर, उनके जाने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो कि जैसे 2-4 दिन की चाय एक ही दिन पिला दी हो। खैर, काम करते करते जो हमारा बगल वाला रूम था उसमें से बहुत ही अजीब महक आ रही थी। क्या बताऊँ, बड़ा अजीब लग रहा था, जैसे कोई जानवर अंदर मरा हुआ हो। वो मुझसे कहने लगा कि भैया उस आंटी को बोलो, यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। मैंने उससे कहा कि छोड़ यार, ये साइड जल्दी से ख़त्म कर दे, मुझे तो ये आंटी ही ठीक नहीं लग रही है। लगभग शाम के 6 बजे होंगे, हम जब घर जा रहे थे तो मैंने देखा कि अंदर से कोई लड़की रेहान को देख रही थी। मैंने सोचा कि छोड़ यार। फिर आंटी ने रेहान को एक बॉक्स दिया। रेहान मना कर रहा था, लेकिन वो आंटी ने ज़बरदस्ती दे दिया। कहने लगी कि अकेले में खोलना और हाँ, कल थोड़ा जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। रात में रेहान का कॉल आया, कहने लगा कि भैया मैं ये बॉक्स नहीं खोल रहा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मत खोल, उसको ऐसे ही रहने दे। रेहान ने कहा कि भैया मैं कल नहीं आऊँगा, मुझे वो आंटी ठीक नहीं लग रही। लेकिन मैंने उससे कहा कि बस एक ही दिन की बात है, फिर वहाँ कौन जाना चाहेगा। मैंने उसे बहुत समझाया, तब जाकर माना। तीसरा दिन था,
29 मार्च आईपीएल फाइनल था। हम सोचे कि आज जल्दी घर जाएंगे, पर पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। आंटी ने आते ही रेहान से पूछा कि बेटा क्या तुमने वो बॉक्स खोला? रेहान ने कहा, नहीं आंटी। दोस्तों ये बात सुनने के बाद आंटी एकदम पागल सी हो गई। वो गुस्से में चिल्लाने लगी कि क्यों नहीं खोला, क्या मैंने यूं ही तुझे दिया था? आंटी इतनी तेजी से चिल्लाई कि अंदर से दो लड़कियां बाहर आ गई। वो पहला दिन था जब मैंने उन दोनों लड़कियों को देखा। वो लड़कियां एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें कोई जान ही नहीं है। खैर 10 मिनट के बाद वो आंटी थोड़ा शांत हो गई। रेहान अभी भी डरा हुआ था, मुझे बोलने लगा कि भैया मुझे यहाँ से जाना है। आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा तुम ऊपर जाओ, मुझे रेहान से कुछ काम है, तुम अपना काम खत्म करो, मैं इसको अभी थोड़ी देर में भेजती हूँ। मैं सोचने लगा कि आखिर रेहान से इसको क्या काम होगा, ना तो मैंने इस घर में कभी किसी आदमी को देखा है, और हाँ एक चीज़ और मैंने नोट की कि घर में कोई भी भगवान की मूर्ति, यहाँ तक कि फोटोज भी नहीं थी। मैं ठीक सोच रहा था, इसीलिए मुझे वो आंटी ठीक नहीं लग रही थी। एक तो बात बात पर गुस्सा करती है, मन में ख्याल आया कि खैर जाने दो। रेहान कुछ ना बोल सका, वो चुपचाप वहीं खड़ा था और मैं ठीक ऊपर आ गया। 10 या 15 मिनट ही हुए होंगे, आंटी और रेहान ऊपर आ गए। आंटी ने वो लॉक वाला रूम खोला और अंदर गए तो दोनों में थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई। दोस्तों जब मैंने उस रूम में ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उस रूम के अंदर एक अलग ही मूर्ति थी, लाल कलर की, जिसके ऊपर 2 सींग भी थी। वो आंटी उस मूर्ति की पूजा कर रही थी। एक तरफ रेहान बस खड़ा खड़ा ऐसे देख रहा था जैसे वो रेहान है ही नहीं। मैं उसको आवाज़ दे रहा था लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। दोस्तों मैं पहली बार डरा। इतने में ही नीचे से वो दोनों लड़कियां ऊपर आई। उन लड़कियों ने जैसे ही मुझे देखा तो वो एकदम शांत हो गई। सच कहूँ तो उस रूम में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने तुरंत ही कुरान की आयत पढ़ी और रूम के अंदर गया। मैंने धीरे से रेहान के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि चल यहाँ से, लेकिन रेहान होश में नहीं था। वो आंटी मंत्र पढ़ते पढ़ते मुझे बाहर जा बोल रही थी, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने आयत पढ़ते पढ़ते रेहान को बाहर निकाला और सीधा नीचे भागा। रेहान की पूरी आंखें लाल हो रही थी, उसको देखकर अजीब सा डर लग रहा था। मैंने तुरंत ही बाइक चालू करी और रेहान को आगे बैठाकर सीधा रेहान के घर पर पहुंचा। उसके अम्मा अब्बू पूछने लगे कि क्या हुआ रेहान को। मैंने उनके घर वालों को सब कुछ बताया तो वो भी एकदम से डर गए। वो रेहान को लेकर सीधा मौलाना के पास गए। रेहान मौलाना जी के सामने अजीब सी हरकतें कर रहा था, जैसे कि मुझे वहां जाना है, मेरा वहां कोई इंतजार कर रहा है। दोस्तों उस वक्त रेहान मुझे ही देखे जा रहा था। मुझे तो रेहान की आंखों को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। रेहान की अम्मी ये सब देखकर वहीं फूट फूट कर रोने लगी। बगल में बैठे अब्बू ने समझाया, कहने लगे कि कुछ नहीं होगा रेहान को। मौलाना ने रेहान को उठाया और उसे चुपचाप एक कमरे में ले गए। मैं रेहान के अम्मी अब्बू बाहर ही खड़े थे, हम में से किसी को भी उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद मौलाना और रेहान बाहर आ गए। मौलाना अब्बू से कहने लगे कि अभी आप इसको लेकर जाओ, अभी तो मैंने दुआ फूंक दी है, बाद में कुछ हुआ तो मुझे बता देना। दोस्तों बगल में खड़ा रेहान बेहोशी की हालत में लग रहा था। उसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये ठीक नहीं है, इसकी हालत बहुत बुरी है। देखकर पता करना बहुत मुश्किल था कि आखिर इसको क्या हो गया। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा और पहली बार ही मैं ऐसे मौलाना के घर पर आया। मैंने ये जाना कि इन चीज़ों के लिए भी कई सारे लोग मदद के लिए होते हैं। खैर रेहान को घर छोड़ने के बाद मैं भी चुपचाप अपने घर चला गया। मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे कि आखिर रेहान की हालत कैसी होगी, इस वक्त वो क्या कर रहा होगा, माँ बाप कितने परेशान होंगे, अभी तो उसने नौकरी शुरू की थी और अचानक उसके साथ ऐसा हो गया। इस दुनिया में न जाने कैसे कैसे लोग हैं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने इतनी जल्दी हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला, हम जाकर भी कुछ ना कर सके। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। ठीक रात के 12:30 बजे मुझे कॉल आया। फोन देखा तो रेहान के अब्बू का था। वो मुझसे कॉल पर कहने लगे कि बेटा जल्दी से घर आ जा, रेहान अब थोड़ा ठीक लग रहा है, शायद कुछ पता चले। मैंने कहा ठीक अंकल मैं आता हूँ। दोस्तों मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैं तुरंत उठा और सीधा रेहान के घर पर पहुंचा। रेहान कुर्सी पर बैठा था, इस वक्त वो मुझे देखने में ठीक लग रहा था। रेहान की अम्मी सर पर चुन्नी ओढ़े परेशान मन से मुझसे कहने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे उस औरत का घर पता,
मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आखिर उसकी भी तो औलादे होंगी, न जाने उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या किया। इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। मुझे उसके घर का एड्रेस दे। मैंने आंटी को कहा। ठीक है आंटी, अम्मी कहने लगी कि चलो इसी वक्त उसके घर चलो, मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकती। मैंने रेहान को ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी। मैं उसे उस जगह वापस नहीं ले जाना चाहता था जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई। हम उस घर में जाने के लिए 4-5 लोग थे, रेहान के अम्मी अब्बू और रेहान की एक आंटी जो कि उनके पड़ोस की थी, वो अपनी बेटी को भी लेकर आई थी। हम जैसे ही उस औरत के घर के पास पहुँचे तो मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे उसके घर का दरवाज़ा खटखटाऊँ। लेकिन एक बात और भी थी, इस वक्त मेरे साथ कई सारे लोग थे तो डर किस बात का। रेहान के अब्बू ने दरवाज़ा खटखटाया। आंटी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अम्मी टूट पड़ी। कहने लगी कि तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ, तू जानती है उसकी क्या हालत हो गई है। दोस्तों आंटी सीधा अपनी बात से पलट गई। कहने लगी मैंने क्या किया उसके साथ। उस औरत ने इतना ही कहा होगा कि रेहान की आंटी उसको गालियां देने लगी। गालियां इतनी तेज थी कि उस औरत की दोनों लड़कियां भी दरवाजे तक आ गई। आंटी गेट पर खड़ी थी, उसकी दोनों बेटियां ठीक उसके पीछे थी, एकदम चुपचाप शांत, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं 3 दिन से देखता हुआ आया हूँ। मैं तो साइड में हो गया। वो दोनों लड़कियां मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। मेरे बाजू में आंटी की बेटी थी, वो मुझसे कहने लगी कि ये आपको क्यों देख रही है। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। आंटी की बेटी ने उन दोनों में से एक का हाथ पकड़ा और कहने लगी कि तुमने क्या किया मेरे भाई के साथ। दोस्तों वो लड़की इतनी तेज चिल्लाई कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहने लगी छोड़ मेरा हाथ। ये आवाज़ सुनने के बाद सबके सब डर गए, सब कुछ एकदम शांत हो गया। ये पहली बार था जब वो लड़की कुछ बोली। उसकी आवाज़ सुनने के बाद अब मुझसे रोका नहीं गया। मैंने सबसे कहा ऊपर चलो, मैं आपको वो मूर्ति दिखाता हूँ। लेकिन आंटी मना कर रही थी, ऊपर बिल्कुल मत जाना, कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे, मैं सबको लेकर ऊपर आ गया। ऊपर लॉक लगा हुआ था। मैंने आंटी से कहा आंटी ये दरवाज़ा खोलो। वो मना करने लगी। उसी बीच अब्बू बीच में आए, कहने लगे कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगी, तू जानती भी है तूने क्या किया है। थोड़ी देर आंटी चुप रही, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, क्या मिलेगा तुम्हें इसके अंदर मैं दिखाती हूँ, आओ। आंटी ने चुपचाप दरवाजे का लॉक खोला। हमने बाहर से ही देखा। मुझे मालूम था कि वो मूर्ति कहाँ है, लेकिन मुझे वो मूर्ति कहीं नहीं दिखी। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि मैंने शर्त रखी थी, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती। देख लिया कुछ नहीं है अंदर। मैंने आंटी से फिर से कहा आंटी अंदर लाइट नहीं है, हमें अंदर जाने दो। वैसे उस रूम में लाइट पहले भी नहीं थी, वो तो उस दिन मैंने टॉर्च की रोशनी से देखा था। लेकिन वो औरत मान कहाँ रही थी। अम्मी अबू एकदम परेशान थे। वो आंटी धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी। उसी बीच मेरा मन अंदर जाने को हुआ, लेकिन एक डर भी था क्योंकि इस औरत का क्या भरोसा, ये कुछ भी कर सकती है। अब्बू अंदर को जाने को हो रहे थे, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, एक गलती हम कर चुके हैं, उसकी सजा आपके बेटे को मिल रही है। मैं नहीं चाहता कि इसके आगे कुछ और हो, अगर ज़्यादा कुछ होता है तो हम पुलिस के पास चलते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये एक इल्ज़ाम होगा, काले जादू को कोई नहीं मानता। अब्बू ने कहा आओ नीचे चलते हैं। एक एक करके हम सब नीचे आ गए। लास्ट में रिहान की सिस्टर और मैं आ रहे थे। मैंने फ़ोन का टॉर्च चालू किया। मैं जाते वक्त एक बार उस कमरे के अंदर देखना चाहता था। दोस्तों मैंने देखा उस कमरे के अंदर खून पड़ा था। एक झलक रिहान की सिस्टर ने भी देखी। एक बार को तो वो भी सन्न पड़ गई। मुझसे कहने लगी कि भैया ये सब क्या है। मैंने उससे कहा अभी चुपचाप नीचे चलो। दोस्तों अम्मी और अब्बू बहुत चीखे और चिल्लाए, लेकिन वो औरत अपनी बात पर अटल रही। कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम इस वक्त मेरे घर के अंदर आए, मैंने तब भी कुछ नहीं किया, तुम ऊपर वाले कमरे की तरफ भी गए, मैंने कुछ नहीं किया, चाहती तो मैं भी पुलिस को बुला सकती हूँ, ऐसे इतनी देर रात कोई किसी के घर में नहीं घुस सकता। दोस्तों उसी बीच रेहान की अम्मी और आंटी ने हम सबको बाहर भेज दिया और वो काफ़ी देर तक
अंदर ही रुके रहे, कहने लगे कि हम इससे बात करके आते हैं। उस बीच उनकी क्या बात हुई आज तक नहीं पता चला। हम सब बाहर ही खड़े थे। रियान के अब्बू कह रहे थे कि शायद उसके ऊपर कोई जिन्न आ गया है। हम तीनों चुपचाप एक कोने में खड़े थे। कुछ ही देर बाद अम्मी और आंटी आ गई। इसके ठीक बाद हम सब के सब वापस घर आ गए। घर आने के बाद रिहान की जो सिस्टर थी, जिसने वो लड़की का हाथ पकड़ा था, उसके हाथ पर खून लगा हुआ था और वो खून रिहान की बहन के हाथ पर भी लग गया था। लेकिन ये बात उसने उनके घर पर नहीं बताई, शायद वो डर चुकी थी। खैर, सबने रिहान को देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। उस वक्त वो पसीने में लथपथ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अभी अभी मुंह धोया हो। वो सबको देख तो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद रिहान को नींद आ गई। रात के करीब 3 बज चुके थे। इसके बाद मैं भी अपने घर चला गया। मैं घर पर एक ही बात सोच रहा था कि रिहान की सिस्टर के हाथ में खून कैसे आया। अगले दिन मैं रिहान के घर पर गया और रिहान की सिस्टर से पूछा कि तुम्हारे हाथ में ये खून कैसे लगा। उसने मुझसे डरते हुए कहा कि जब मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा था, तब उस लड़की के हाथ पर एक कट लगा हुआ था। देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये कट आज ही लगा हो। काफ़ी बड़ा कट था। उस वक्त दूसरी लड़की मुझे देखकर स्माइल कर रही थी, एकदम अजीब सी स्माइल। दोस्तों, रिहान बिस्तर पर लेटा हुआ था। अम्मी अब्बू सब परेशान थे। घर का माहौल एकदम मातम में बदल चुका था। खैर, मैं उस वक्त अपने घर चला गया। मुझे 3 दिन हो चुके थे मैं जॉब पर नहीं गया था। इस बीच मुझे बॉस का कॉल भी आया लेकिन मैं उठा नहीं पाया। तीसरे दिन की रात को रिहान बस उल्टियाँ करते जा रहा था। उसने बहुत सारी उल्टियाँ की। ये सारी बातें मुझे उसकी बहन ने बताई। कह रही थी कि रिहान के अब्बू को लगता है कि उसके ऊपर कोई जिन्न है। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। ये सारी बातें मुझे कॉल पर बताई गई थी। मैं ठीक अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। कॉल पर बात होने के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार, मेरे साथ में काम करने वाला लड़का, जिसको अभी 13-14 दिन ही हुए हैं, न जाने उसे क्या हो गया। एक साइट पर गए थे तब से अजीब हरकतें कर रहा है। समझ में नहीं आता कि उसको क्या हो गया। दोस्तों, पहले तो मेरे दोस्तों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आपको याद होगा कि मेरे पास वो आंटी का नंबर था जो कि मुझे मेरे बॉस ने दिया था। जब दोस्त लोग हंसने लगे तो मैंने कहा कि ये सब झूठ नहीं है, देख मेरे पास नंबर भी है। दोस्त ने कहा, ला मुझे दे, मैं कॉल करता हूँ। मैंने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरा एक दोस्त अकीब, वो कहने लगा कि उसे कॉल मत लगाओ। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत डरता है। लेकिन मेरा दूसरा दोस्त कहाँ मानने वाला था, उसने तुरंत ही कॉल लगा दिया। आंटी ने जैसे ही कॉल उठाया तो मेरे दोस्त ने सीधा कहा कि क्या किया तूने रिहान के साथ। क्री क्री भूत्योपे अगच्छ वश्य आज्ञा बलाया फाट। क्री क्री दोस्तों, कुछ सेकंड पे मेरे दोस्त के कान में फोन ऐसे कैसे ही रह गया। ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई कहानी सुना रहा हो। मैंने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त हेलो हेलो कर रहा था लेकिन सामने से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। बस वो मंत्र पढ़े जा रही थी। मेरा दोस्त अकी, वो तो आंटी की आवाज सुनकर ही डर गया। उसने तुरंत ही फोन छीना और कट कर दिया। अकीब ने फोन काट दिया। लेकिन जिस दोस्त ने कॉल किया था, उसने मुझसे कहा, तुझे उसका घर मालूम है? हाँ, लेकिन कल चलते हैं। अकीब मना कर रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, तुमको जाना है तो जाओ। सुबह मुझे सोनू का कॉल आया। सोनू वही है जिसने रात को कॉल किया था। मैंने सोनू से कहा कि मैंने अकीब को कॉल किया था लेकिन वो मना कर रहा है। खैर, जैसे तैसे सोनू अकीब को उसके घर से ले आया। हम तीनों बाइक पर बैठकर सीधा आंटी के घर पर पहुंचे। उस दिन आंटी के घर पर ताला लगा हुआ था, लेकिन हम थोड़ी देर तक वहीं रुके। एक अंकल उस घर के आगे से जा रहे थे। मैंने तुरंत अंकल से पूछा कि अंकल, ये लोग कहाँ गए? अंकल ने जो मुझे बोला, आप यकीन नहीं करोगे। कहने लगे, यहाँ जो औरत रहती है बेटा, उससे दूर ही रहो। सोनू ने कहा, क्यों अंकल, ऐसी क्या बात हुई? मैंने भी तुरंत अंकल से कहा। मैंने अंकल को अपनी सारी परेशानी बताई। तब जाकर अंकल ने कहा, ये औरत, इसने अपने पति को भी मार दिया और तो और अपनी बेटियों को भी टॉर्चर करती है। इस औरत के डर से बाजू के 2 पड़ोसी भी भाग गए। ये औरत कुछ तंत्र विद्या करती है, कभी भी कोई भी जानवर घर ले जाती है, बिल्ली कुत्ता जो मिल जाए। लेकिन ये पहले ऐसी नहीं थी, एकदम ठीक थी। बस इसका बेटा जब से मरा तब से ये ऐसे ही कर रही है। मेरी मानो, इस औरत से दूर रहो।
मैंने अंकल से कहा, ठीक है। सोनू भी बोल पड़ा, चल भाई जल्दी चल यहाँ से। सोनू ने जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो अकीब ऊपर की ओर देख रहा था। उसने खिड़की पर किसी लड़की को देखा जो कि उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। फिलहाल हम जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल गए। ये आखिरी बार था जब मैं वहाँ गया था। उसके बाद से आज तक मैं वहाँ कभी नहीं गया। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जब वो घर लॉक था तो अंदर वो लड़कियाँ क्या कर रही थी, क्या पता। सच कहूँ तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं उस लड़की की स्माइल से। अकीब तो बहुत ज़्यादा ही डर गया था। उस दिन सब अपने अपने घर चले गए। इसके कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा। मैंने रिहान के घर में फ़ोन किया और एक दो बार जाकर भी देखा। रिहान पहले से अब ठीक लग रहा था, लेकिन अकीब ठीक नहीं था। उसको बुरे बुरे सपने आ रहे थे। फ़ोन पर जब उससे बात हुई तो रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुझे किस किस तरह के सपने आ रहे हैं। तो उसने कहा, वो लड़की और शैतान की मूर्ति, खून और एक आवाज। क्री क्री भूत्यो पे अगच्छ वश्य आज्ञा पालय वाट। आवाज? कैसी आवाज? उसने कुछ नहीं कहा, बोला बस आवाज। दोस्तों, सोनू उस आंटी की कहानी सुनने के बाद डरा था, लेकिन अकीब का क्या सीन था पता नहीं चला, क्योंकि अकीब ने तो कुछ भी नहीं किया था। बस मेरे नजरिए में एक ही बात थी कि अकीब शुरू से ही इन चीजों से बहुत डरता है। दूसरी तरफ मुझे रेहान के अब्बू का कॉल आया। कहने लगे कि बेटा जरा घर पर आओ। मैं तुरंत ही अब्बू के घर पर पहुंचा। अब्बू ने मुझसे कहा कि कई दिनों से रेहान घर पर है, तुम इसको बाहर लेकर जाओ, थोड़ा घूम लेगा, काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गया। मैंने कहा, अब्बू ठीक है, मैं लेकर जाता हूँ। दोस्तों, अब तक मैंने आपको जो भी कहानी सुनाई ये सब कुछ मेरी आंखों देखी है। उस दिन भी जब मैं रिहान को बाहर लेकर गया तो रिहान ने मुझसे जो कहा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि भैया जब तुम ऊपर गए थे और मैं नीचे था ये तब की बात है। वो आंटी जब मुझे अंदर ले गई तो मैं डरा हुआ था। वो मुझे बस बेटा बेटा बोल रही थी। उसने मुझे मिठाई खिलाई और दूध भी पिलाया। उसी बीच उसने मेरे सामने उस लड़की का हाथ काटा। ये सब देखकर मैं डर गया। मुझे लगा शायद ये मुझे भी मार देगी, लेकिन उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। आंटी ने उस लड़की के हाथ का थोड़ा सा खून मुझे चटाया। मैं मना नहीं कर पाया। इसके बाद उसने जो जो कहा मैं मानता चला गया। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। हैरानी की बात तो यह है कि उस लड़की के हाथ पर चाकू चलाया, लेकिन उसने आवाज़ तक नहीं की, यहाँ तक कि उसे जैसे कुछ पता ही ना हो, एकदम लाश की तरह खड़ी थी। इसके बाद आंटी ने मुझसे कहा कि चल बेटा। आंटी ने लड़की के हाथ का खून थोड़ा अपने हाथ पे लगाया और एक मिठाई का डब्बा साथ में ले लिया। इसके बाद हम ऊपर आए थे जब आप काम कर रहे थे। आंटी मुझे मूर्ति के पास ले गई, वो बहुत खुश लग रही थी। भैया आप यकीन नहीं करोगे, मेरे सामने उसने मूर्ति को मिठाई दी और अचानक मिठाई सारी गायब हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आंटी ने लड़की का खून मूर्ति पर लगाया और फिर कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद मुझे याद नहीं, मौलाना ने भी मुझसे यही कहा था कि तू किसी के वश में था, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, बस तुम घर से बाहर मत निकलना। भैया अब ठीक होने के बाद मौलाना ने मुझे कुछ पानी भी दिया था, जिसके बारे में उन्होंने बताने से मना किया था। उस पानी को मैं रोज रात को पीता था। सच कहूँ तो अब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। सोचता हूँ तो बहुत डर लगता है, शरीर कांपता है। दोस्तों यकीन करो, जब ये कहानी वो मुझे बता रहा था तो उस वक्त वो सच में कांप रहा था, यहाँ तक कि उसे पसीना भी आ चुका था। मैंने उससे कहा कि छोड़ यार, देख आज तू ठीक हो चुका है, ये बस कुछ ही दिनों का खेल था, भूल जाए सब कुछ। मेरे साथ भी तो हुआ था, मैं भी तो आखिर वहीं था। किसी भी बात से मत डर, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करना। दोस्तों मैं जानता था कि अंदर ही अंदर रिहान को कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं उसे डराना नहीं चाहता था। कहते हैं कि अपना दुख बताने से कम हो जाता है, लेकिन उस दुख को याद करने से वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर, मैंने रिहान को उसके घर पर छोड़ा और खुद भी अपने घर चला गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं रिहान की कहानी अपने मन में लगातार सोच रहा था। मैंने अपनी नौकरी वहाँ से छोड़ दी। मैं किसी और के पास काम पर जाने लगा। बस आखिर में एक ही बात मेरे मन में रह गई कि जो आंटी ने रिहान को बॉक्स दिया था आखिर उसमें क्या था। जॉब से आने के बाद मैंने रिहान को कॉल किया। मैंने उससे पूछा कि रिहान बॉक्स कहाँ है। ये सुनते ही रिहान डर गया, कहने लगा कि भैया मुझे नहीं पता। मैंने उसे समझाया
कि रिहान वो मुझे दे दे। मुझे मालूम है कि बॉक्स तेरे पास ही है, मैं उसको फेंक दूंगा। समझ, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ना जाने क्यों रिहान उस बॉक्स को लिए बैठा था। बस एक बात थी, रिहान ने उस बॉक्स को हाथ नहीं लगाया था, वो वैसे का वैसा ही पड़ा था। और बात रही रिहान की कहानी की, उसने जो कुछ भी मुझे बताया ये सारी बातें उसने अपने घर वालों को नहीं बताई। उसे डर था क्योंकि उसकी अम्मी बहुत रोने लग जाती थी, सिर्फ इसीलिए। खैर, रिहान एक दो हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मुझे उस बॉक्स में देखना था कि आखिर उसमें क्या है। रिहान तो इतना डरा हुआ था कि उसने उस बॉक्स पर हाथ नहीं लगाया, लेकिन मैंने उसे हाथ लगाया और उस बॉक्स को कब्रिस्तान में ले गया। सच कहूँ तो हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी कि खोल कर देखूँ। मैंने कॉल किया अपने दोस्त को जो कि एक हाफिज कुरान है। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ पर आए और कुछ कुरान की आयतें पढ़े। उसके आकर पढ़ने के बाद मैंने उस डब्बे को खोल दिया। मैंने बॉक्स में देखा कि उसमें एक काले कलर की डॉल थी। उसके गले पर एक ताला लगा हुआ था, काफ़ी अजीब सी महक आ रही थी। मेरा दोस्त आयत पढ़ रहा था। मैंने धीरे धीरे वो बॉक्स बंद कर दिया। हम उस बॉक्स को कब्रिस्तान में कहीं गाड़ आए। इन सब के बीच एक बात और है जो कि मुझे अब तक समझ में नहीं आई कि वो आंटी हमें इतनी चाय क्यों पिला रही थी। अब दोस्तों, सब कुछ ठीक होने के बाद रेहान अब 16 साल का हो गया है। उसकी कहानी यहीं पर ख़त्म हो गई। और तो और मुझे ये भी पता चला कि वो आंटी अब जेल में है, उसने कुछ अलग कांड किया है। मैं चाहूँ तो पता कर सकता हूँ, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है। जाने वाला चला गया, सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बस अंत में आपसे इतना ही कहूँगा कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब आप देखिए, मुझे तो मालूम भी नहीं था, और जिस पेशे में मैं हूँ मुझे कई लोगों के घर पर जाना होता है। हाँ, पर उस दिन के बाद से मैंने एक चीज़ सीख ली कि कभी भी घर पर काम करने से पहले घर का माहौल ज़रूर देख लेना चाहिए। बाकी आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स की लाइन लगा दीजिए। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये खुद मेरे आंखों देखी कहानी है। आज मैं सबको देखना चाहूँगा कि कितने लोग कमेंट्स करते हैं। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी कहानियों पर सभी को कमेंट्स के साथ साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सर जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस मेहनत के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।